हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेकटॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो सिर्फ इस आई पे क्लिक कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। इस वीडियो सीरीज में से आज के वीडियो ट्यूटोरियल का सब्जेक्ट है पोस्ट ऑर्डर बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल, और उसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ सॉल्व्ड एग्जांपल्स। हमें पोस्ट ऑर्डर कैसे ट्रैवर्स करना है कौन से भी गिवन बाइनरी ट्री का। तो यहाँ पे टोटल मैं 5 एग्जांपल्स सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको कौन सा भी अगर एग्जांपल दिया जाता है तो वो आप पोस्ट ऑर्डर में ट्रैवर्स कर सकते हो। तो कंटेंट को जाने से पहले मैं आपको सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल टेकटॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से ट्री ट्रैवर्सल टेक्निक होते हैं। फिलहाल यहाँ पे 2 ट्रैवर्सल टेक्निक दिखाए गए हैं, जो है कि डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल टेक्निक, जो कि डेप्थ में जाके ट्रैवर्स करता है। उसके सब टाइप्स है प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, जिसमें से ये प्री इन पोस्ट जो होते हैं वो पोजिशन ऑफ रूट नोड होते हैं। रूट नोड की पोजिशन वो डिफाइन करते हैं। अगर प्री ऑर्डर है तो रूट नोड की पोजिशन लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड से पहले होती है। इन ऑर्डर होता है तो रूट नोड की पोजीशन लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड के इन बिटवीन होती है, और अगर पोस्ट ऑर्डर होता है तो रूट नोड की पोजीशन लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड के बाद में होती है। अगर आपको ये सारे ट्रैवर्सल टेक्निक समझने हैं, पढ़ने हैं, सीखने हैं, तो प्लीज यहाँ पे आई पे क्लिक कीजिए और सिलेक्ट कीजिए बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल प्लेलिस्ट। अगला वाला ट्रैवर्सल टेक्निक है ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल टेक्निक, जिसमें से हम लेवल ऑर्डर ट्री को ट्रैवर्स करते हैं। यहाँ पे मैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल टेक्निक पे फोकस कर रही हूँ। तो चलो देखते हैं बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल, उसमें से हम देख रहे हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, जिसका सिक्वेंस है लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री एंड सबसे लास्ट में हम रूट नोड को प्रोसेस करेंगे। यही सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको रिमाइंड कर रही हूँ। तो सबसे पहले लेफ्ट हमें देखना है, उसके बाद हमें राइट को जाना है, और उसके बाद हमें एट द एंड लेफ्ट होने के बाद राइट, राइट के बाद हमें रूट को प्रोसेस करना है। तो यही सारी चीजें मैं आपको ग्राफिकली एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सबसे पहले लेफ्ट, उसके बाद राइट, राइट को रूट नोड बना के फिर से चेक करना है उसको लेफ्ट है या नहीं, अगर है तो फिर से उसको राइट है या नहीं उसको चेक करते जाना है, और यही प्रोसेस कंटिन्यू करके एट द एंड आपका लेफ्ट होने के बाद, राइट होने के बाद आपको रूट नोड को प्रोसेस करना है। अभी हम देखते हैं सबसे पहला वाला एग्जांपल जिस पे हम स्टेप अप्लाई करने वाले हैं, वो होते हैं लेफ्ट, राइट एंड देन अ रूट नोड। सो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल। यहाँ पे मैं नीचे पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल पे आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमें रूट नोड से स्टार्ट करना है। रूट नोड को आने के बाद हमें चेक करना है ए को लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं, अगर है तो हमें उस चाइल्ड पे स्टेप डाउन होके उसको रूट नोड बनाना है। तो ये हो गया आपका बी एज अ रूट नोड। रूट नोड बनाने के बाद बी को लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं प्लीज जरा चेक कीजिए, लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। तो अभी लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है राइट चाइल्ड है या नहीं। राइट चाइल्ड भी नहीं है, इसका मतलब हमारा लास्ट स्टेप हमें एग्जीक्यूट करना है जो है हमारा प्रोसेसिंग ऑफ अ रूट नोड। सो इसलिए हमें बी को प्रोसेस कर लेना है। यहाँ पे मैं प्रोसेसिंग यानी कि पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल डिस्प्ले कर रही हूँ। तो ये हो गया आपका बी अ रूट नोड, उसका प्रोसेसिंग। हमें रिटर्न बैक जाना है रूट नोड पे, और अगर हमें चेक करना है कि राइट चाइल्ड ऑफ ए प्रेजेंट है या नहीं, अगर है तो हमें सी पे स्टेप डाउन होना है। तो हम स्टेप डाउन होने के बाद फिर से हमें सी को रूट नोड बना के उसको लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं चेक करना है, जो कि प्रेजेंट नहीं है। सी को राइट चाइल्ड वो भी नहीं है, इसलिए हमें सी को अभी प्रोसेस कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने सी को प्रोसेस कर लिया है। उसके बाद फिर से हमें रिटर्न बैक जाना है टू अ रूट नोड, और रूट नोड को जाने के बाद आपको देखना है कि उसका लेफ्ट भी हो गया है, उसका राइट भी हो गया है, और अभी अभी रूट नोड को प्रोसेस करने की बारी है। तो चलो यहाँ पे रूट नोड को प्रोसेस कर लेते हैं, और ये हो गया आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, जो कि है बी सी
और सबसे लास्ट रूट नोड ए। अभी मूव होते हैं सेकंड एग्जांपल के लिए। तो स्टेप्स हमें क्या फॉलो करनी है, लेफ्ट राइट एंड देन रूट। तो ये आपका एग्जांपल आपके सामने है। रूट नोड से हमें स्टार्ट करना है, चेक करना है लेफ्ट चाइल्ड है तो स्टेप डाउन होना है। तो हमारा 20 अभी रूट नोड हो गया, 20 के लिए लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो 20 को राइट चाइल्ड को मूव होना है। 20 को राइट चाइल्ड को मूव होने के बाद फिर से हमें 30 को, जो कि 20 का राइट चाइल्ड है, उसको रूट बनाना है। उसको रूट बनाने के बाद फिर से हमें चेक करना है 30 को लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं। अगर है तो स्टेप डाउन होके 50 को रूट नोड बनाना है। रूट नोड बनाने के बाद आप देख सकते हो 50 जो है वो लीफ नोड है, तो उसको लेफ्ट भी नल है राइट भी नल है। तो लेफ्ट होने के बाद राइट, राइट भी होने के बाद हमें रूट नोड दैट इज 50 को प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे मैंने उसको प्रोसेस कर लिया। हमें रिटर्न जाना है रूट नोड पे। रूट नोड पे जाके उसके राइट चाइल्ड को हमें चेक करना है। राइट चाइल्ड प्रेजेंट है इसलिए हम यहाँ पे स्टेप डाउन हो चुके हैं। अभी 60 को रूट नोड बना के उसका लेफ्ट चाइल्ड हमें चेक करना है जो कि प्रेजेंट नहीं है। 60 का राइट चाइल्ड भी प्रेजेंट नहीं है इसलिए हमें अभी 60 को प्रोसेस करना है। 60 को प्रोसेस होने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जहां तक कि अभी रूट नोड का सवाल है, रूट नोड का लेफ्ट चाइल्ड प्रोसेस हुआ है, राइट चाइल्ड भी प्रोसेस हुआ है, तो अभी रूट नोड के प्रोसेसिंग की बारी है। तो यहाँ पे हम रूट नोड पे आ गए हैं और अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने रूट नोड भी प्रोसेस कर लिया है। अभी ये पूरा सब ट्री प्रोसेस हो चुका है तो हमें कहाँ पे जाना है, इसके पैरेंट नोड पे। पैरेंट नोड जो है हमारा है 20, और 20 को जाने के बाद आप देख सकते हो 20 का लेफ्ट सब ट्री जो प्रेजेंट नहीं था उसके लिए उसके प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। राइट चाइल्ड था तो मैंने राइट चाइल्ड पूरा और राइट सब ट्री पूरा हमने प्रोसेस कर लिया है। तो अभी हमारे रूट नोड को प्रोसेस करने की बारी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने 20 एज अ रूट नोड को भी प्रोसेस कर लिया। अभी फिर से हमें 10 पे जाना है जो कि पैरेंट नोड है 20 का। 10 को जाने के बाद आप देख सकते हो कि 10 का लेफ्ट सब ट्री तो प्रोसेस हो चुका है पर अभी राइट सब ट्री बाकी है। तो अगर राइट सब ट्री है या नहीं हमें चेक करना है। अगर है तो हमें स्टेप डाउन होना है। तो यहाँ पे हम स्टेप डाउन हो चुके हैं और मैंने 40 को अभी रूट नोड बना लिया है। 40 को रूट नोड बनाने के बाद हमें देखना है कि उसको लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, उसको राइट चाइल्ड भी नहीं है, तो हमें 40 को प्रोसेस कर लेना है। तो यहाँ मैंने 40 को प्रोसेस कर लिया है। अभी उसके बाद हमें फिर से पैरेंट नोड पे मूव होना है। तो पैरेंट नोड को मूव होने के बाद आप देख सकते हो उसका लेफ्ट सब ट्री फिनिश हुआ है, राइट सब ट्री भी फिनिश हुआ है। नाउ इट्स टर्न टू प्रोसेस अ रूट नोड। तो मैंने यहाँ पे 10 एज अ रूट नोड को प्रोसेस कर लिया है। सो इस तरह ये सेकंड एग्जांपल आपने ट्रैवर्स कर लिया है जिसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है 50, 60, 30, 20, 40 एंड 10। अभी एग्जांपल 3 को मूव होते हैं। फिर से वही स्टेप्स हमें फॉलो करनी है, लेफ्ट राइट एंड रूट नोड। ये वाला एग्जांपल है तो हमें रूट से स्टार्ट करना है। रूट से स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले उसका लेफ्ट चाइल्ड चेक करना है। है तो स्टेप डाउन हो चुके हैं, 22 का लेफ्ट चाइल्ड भी है तो फिर से 44 को रूट नोड बना के उसके लेफ्ट राइट नहीं है इसलिए हमने 44 को प्रोसेस कर लिया। रिटर्न जाके 22 के राइट चाइल्ड पे हमें मूव होना है। उसको मूव होने के बाद आप देख सकते हो 55 का लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं है इसलिए 55 को हमें प्रोसेस कर लेना है। प्रोसेस करने के बाद हमें 22 को रिटर्न जाके अभी 22 को प्रोसेस करना है और 11 को रिटर्न जाना है एज अ पैरेंट नोड। 11 को रिटर्न जाने के बाद हमें 11 को प्रोसेस नहीं करना है क्योंकि 11 का सिर्फ लेफ्ट सब ट्री प्रोसेस करके हुआ है, ट्रैवर्स करके हुआ है, अभी राइट सब ट्री की बारी है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है 11 को राइट चाइल्ड है या नहीं। है इसलिए हमें राइट चाइल्ड पे स्टेप डाउन होना है। 33 को रूट नोड बना के उसके लिए लेफ्ट चाइल्ड हमें चेक करना है। है इसलिए उस पे स्टेप डाउन हो के 66 के लेफ्ट चाइल्ड को चेक करना है जो कि प्रेजेंट नहीं है, राइट चाइल्ड भी नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो 66 जो है वो आपका लीफ नोड है इसलिए हमें 66 को अभी प्रोसेस कर लेना है।
66 को प्रोसेस करने के बाद रिटर्न 33 पे जाके उसके राइट चाइल्ड को चेक करना है। राइट चाइल्ड को चेक करने के बाद आप देख सकते हो कि राइट चाइल्ड को स्टेप डाउन होने के बाद फिर से 77 लीफ नोड है, इसलिए हमें 77 को प्रोसेस कर लेना है और हमें रिटर्न जाना है 33 पे। 33 पे रिटर्न जाने के बाद 33 को प्रोसेस करना है। अभी रिटर्न जाना है 11 जो कि 33 का पैरेंट नोड है, और 11 का आप देख सकते हो लेफ्ट सब ट्री कम्प्लीट हुआ है, राइट सब ट्री भी कम्प्लीट हुआ है, और अभी हमारा रूट नोड जो 11 है उसको प्रोसेस करने की बारी है। और उसको प्रोसेस करने के बाद आप देख सकते हो इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है 44, 55, 22, 66, 77, 33 और एट द एंड जो होता है वो होता है रूट नोड। तो चलो मूव होते हैं फोर्थ एग्जांपल के लिए। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ, आप ये वीडियो पॉज करके अगर आपको ये पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल समझ में आ चुका है तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो कि पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल जो गिवन ट्री है उसके लिए क्या आता है, और फिर आगे जाके आप आपका आंसर मेरे साथ टैली कर सकते हो। तो आप पॉज कर सकते हो, अगर पॉज करने के बाद आपको आंसर चेक करना है तो मैं आगे जाके आपको बता रही हूँ। तो हमें रूट नोड से स्टार्ट करके लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो हमें राइट चाइल्ड पे स्टेप डाउन होना है, उसको रूट नोड बना के उसके लेफ्ट चाइल्ड पे जाना है। 66 को रूट नोड बना के 66 लीफ नोड है, तो 66 लीफ नोड है इसलिए उसको हमने प्रोसेस कर लिया। 66 लीफ नोड उसको प्रोसेस हमने कर लिया है तो 33 पे रिटर्न जाके उसके राइट चाइल्ड पे मूव होना है। उसके राइट चाइल्ड को मूव होने के बाद उसको रूट नोड बना के उसके लेफ्ट चाइल्ड पे मूव होना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 77 का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो हमें 77 को राइट चाइल्ड है या नहीं ये चेक करना है। 77 को राइट चाइल्ड है इसलिए हम स्टेप डाउन होते हैं 22 एज अ राइट चाइल्ड ऑफ 77 को। 22 पे मूव होने के बाद आप देख सकते हो कि फिर से इसको रूट नोड बना के लेफ्ट चाइल्ड पे मूव होना है। 44 पे मूव होने के बाद 44 जो है वो लीफ नोड है इसलिए मैंने उसको प्रोसेस कर लिया, रिटर्न गए 22 पे और उसके राइट सब ट्री पे मूव कर लिया। राइट चाइल्ड पे मूव होने के बाद फिर से 55 जो है वो है लीफ नोड इसलिए मैंने 55 को भी प्रोसेस कर लिया। रिटर्न जा रहे हैं हम 22 पे, 22 के लेफ्ट राइट दोनों हो चुके हैं इसलिए मुझे 22 को प्रोसेस करना है। रिटर्न जाना है 77, अगेन आप देख सकते हो 77 का लेफ्ट था नहीं इसलिए उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई क्वेश्चन भी नहीं है, तो हमने राइट सब ट्री भी प्रोसेस कर लिया। अभी टर्न है पैरेंट नोड को प्रोसेस करने का तो मैंने यहाँ पे 77 भी प्रोसेस कर लिया। हमें 33 पे रिटर्न जाना है, 33 का लेफ्ट हुआ है राइट भी हुआ है तो हमें 33 को प्रोसेस कर लेना है, और एट द एंड हमें रूट नोड 11 पे जाके उसका लेफ्ट भी हुआ है राइट भी हुआ है और अभी 11 को मैंने प्रोसेस कर लिया। सो इन दिस वे जो ट्री दिया था उसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है 66, 44, 55, 22, 77, 33 एंड 11। इस तरह हम इस ट्री को ट्रैवर्स कर रहे हैं इन पोस्ट ऑर्डर, और ये आपका है लास्ट एग्जाम्पल। फिर से अगर आपको स्टेप्स अच्छी तरह से पता चल गई है तो फिर से वीडियो पॉज कीजिए और अपने आप खुद से इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए और एट द एंड आप मेरे साथ टैली कर सकते हो। तो ए से मैंने स्टार्ट किया, लेफ्ट चाइल्ड पे मूव हो गए, फिर से सब लेफ्ट चाइल्ड पे मूव हो गए, फिर से लेफ्ट चाइल्ड पे मूव हो गए, अभी आप देख सकते हो जी जो है वो लीफ नोड है इसलिए मैंने उसको प्रोसेस कर लिया। रिटर्न गए डी पे, डी का राइट चाइल्ड नहीं है इसलिए डी को प्रोसेस कर लिया। रिटर्न जाते हैं बी पे, बी का राइट चाइल्ड है इसलिए हमने बी के राइट चाइल्ड दैट इज ई पे मूव हो गए। ई फिर से लीफ नोड है तो ई को भी प्रोसेस कर लिया। रिटर्न गए बी पे और बी को भी प्रोसेस कर लिया क्योंकि बी का लेफ्ट सब ट्री हुआ था, राइट सब ट्री भी हुआ था तो अभी बारी थी उसके रूट नोड की, तो बी को भी प्रोसेस कर लिया। अभी ए पे रिटर्न जाके ए पे हमें चेक करना है कि उसको राइट चाइल्ड है या नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पे ए को राइट चाइल्ड अवेलेबल है तो हमें ए के राइट चाइल्ड पे मूव होना है। अभी हमें सी को रूट नोड बना के सी का लेफ्ट चाइल्ड चेक करना है जो कि प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमें सी का अभी राइट चाइल्ड चेक करना है, अगर प्रेजेंट है तो स्टेप डाउन होना है। तो है राइट चाइल्ड
सी को प्रेजेंट है, इसलिए हम सी के राइट साइड को मूव हो रहे हैं। अभी एफ को रूट नोड बना के एफ के लिए हम चेक करते हैं लेफ्ट साइड प्रेजेंट है या नहीं। ये प्रेजेंट है इसलिए हमने उसके लेफ्ट साइड पे मूव हो लिए। एच जो है वो है आपका लीफ नोड, इसलिए मैंने उसको प्रोसेस कर लिया। अभी एफ के राइट चाइल्ड को चेक करना है, राइट चाइल्ड प्रेजेंट है, वो भी लीफ नोड है इसलिए मैंने उसको भी प्रोसेस कर लिया। और अभी हमें उसके पेरेंट पे रिटर्न जाना है, तो हम क्या करेंगे, अभी एफ पे रिटर्न जाके एफ को प्रोसेस कर लिया, सी पे रिटर्न जाके सी को भी प्रोसेस कर लिया, और एट द एंड ए पे रिटर्न जाके ए को भी हमने प्रोसेस कर लिया। सो इस तरह हम कौन सा भी अगर हमारे पास बाइनरी ट्री है तो हम उसको पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में ट्रैवर्स कर सकते हैं। आई होप आपको सारी स्टेप समझ में आ गई है और आपको ये भी पता चल गया है कि पोस्ट ऑर्डर कैसे ट्रैवर्स होता है। सो थैंक यू ऑल डियर फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो भी आप उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, मैं आपके सारे क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिंक भी प्रोवाइड कर रही हूँ। उसके साथ साथ आप आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अलोंग विद दिस मैं यहाँ पे आपको कुछ और डेटा स्ट्रक्चर के वीडियोस का शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते रहिए। सो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी डेटा स्ट्रक्चरिंग। Thank you. Stay tuned with Tech Talks.